एस के अजीम और बबरकत नाम में आप सबको इस्लाम मेरा नाम पास्टर शहजाद नईम है सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब पास्टर सालक जान बरकत साहब का और इसके साथ साथ जनाब पास्टर मुनवर खुर्शीद साहब का और बरकत टीवी की सारी टीम का जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आज इनके प्लेटफॉर्म पर आके पाकलाम की मनादी करूँ दुआ ग हूँ कि खुदांद अपने लोगों को और बरकतों से मालामाल करे और इनकी ये खिदमत का काम और बड़े फूले और वुरसत पाए मेरे साथ निकालें ये साया नबी का सहीफा, उसका तिरपनवा बाप उसकी चौथी आयत से लेकर आठवीं आयत तक पाकलाम में यूँ मरकूम है तो भी उसने हमारी मशक्तें उठा लीं और हमारे गमों को बर्दाश्त किया पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा हालांकि वो हमारी ख़ताओं के सबब से गायल किया गया और हमारी बदकरदारी के बायस कुचला गया हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब बेड़ों की मानत भटक गए हम में से हर एक अपनी राह को फिरा पर खुदा ने हम सब की बदकरदारी उस पर ला दी वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला जिस तरह बरा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं और जिस तरह बेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजबान है उसी तरह वो ख़ामोश रहा वो जुलम करके और फतवा लगाकर उसे ले गए पर उसके ज़माना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया मेरे लोगों की खताओं के सबाब से उस पर मार पड़ी कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो अंजिले मुक़दस यानी नए अहदनामा का जो मरकजी पैगाम है वो निजात है निजात के पैगाम के बारे में कहा जाता है कि ये मरकजी हसीियत का हामल है यकीन इसमें कोई शक नहीं है निजात का पैगाम अगरचा बहुत अहमियत का हमल है लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि मरकजी हसीियत का पैगाम कोई और है जो इससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है जिसकी वजह से निजात का लफ्ज़ हमें सुनने को और पढ़ने को मिला और वो पैगाम मसी की मौत का पैगाम है क्योंकि निजात का इंतज़ाम मसी के मरने से हुआ मसीह के पाक जान का फिदिया देने की बदौलत निजात आई मसीह के कुर्बान होने की वजह से निजात का लफ्ज़ हमें सुनने को मिला अगर मसी खुदाम ना मरता तो लफ्ज़ निजात अंजीले मुक़दस में हम भूलें से भी ना सुन पाते ना पढ़ पाते बार बार अंजीले मुकदस में हम पढ़ते हैं कि मसीह इसलिए मुआ ताकि कमजोर और गुनागार इंसान बच जाए और बच जाने का दूसरा नाम ही नजात है आज पा में मसीह की स्लीबी मौत के हवाला से हम दो से तीन बातों पर गौर करेंगे पहली बात मसीह की सलीबी मौत की अहमियत मसीह की मौत एक बुनियादी हकीकत है दर हकीकत मसीयत को समझने के लिए जरूरी अमर यह है कि हम मसीह की मौत को समझें युना उन्नीसवा बाप उसकी तीसवीं आयत में यूमर मरकुम है कि पास यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा के तमाम हुआ और सर झुकाकर अपनी जान दे दी पहला काम जो हुआ है वो है यस्सू की मौत वो मौत जो जिंदगी की गिनौनी मौत थी वो मौत जो आज तक गुनागार इंसान को छाती पीटने पर मजबूर करती है वो मौत जो हमें अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करने के लिए मजबूर करती है के मसीह खुदावन हमारे ही गनाहों के बदले पर लुटकाया गया उस पर सियासत हुई उसे मारा गया कूटा गया सताया गया उसे लान तान किया गया हालांकि उसकी जात में कोई गुनाह नहीं था लेकिन वो हमारी ही खताओं के बदले घायल किया गया उसे लान तान किया गया उस पे सर पर कांटों का ताज पहना दिया गया एक कम चालीस कोड़े उसको मारे गए मसी का मसलूब होना मसीह का मरना कोई हादसाती अमल नहीं था कोई अचानक से ऐसा नहीं हुआ था बल्कि ये प्री प्लान था ये बाप की तरफ से एक मुकम्मल मंसूबा था और ये बाप की मर्जी के एन मुताबिक था पाकला में लिखा है कि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया वो आया ही इसीलिए था ताकि पूरी दुनिया के लिए मसलूब हो वो आया ही इसीलिए था ताकि पूरी दुनिया के निजात के लिए सली पर अपनी जान दे अंजील मुकदस में एक सौ पचहत्तर दफा से ज्यादा की मौत का जिक्र आया है अहद अतीक में की मौत के अलामती निशानात और पेशगोयां मौजूद हैं इसी तरह अहद जदीद में लुका 19वां बाप उसकी तीसवीं और 31वीं आयत के मुताबिक जब मूसा और एलिया पहाड़ पर मौजूद थे और उन दोनों की जो गुफ्तु का मौजू था वो मसी की मौत था इसी तरह मुकाशवा आठवाँ बाप उसकी 12वीं आयत के मुताबिक मसी की मौत आसमानी गीत का मरकज़ी मजमून है आज पूरी दुनिया में मसीह की मौत का पैगाम गुनागारों को जलाल में दाखिल होने की दावत देता है ताकि ऐसी जिंदगियां जो अभी तक उससे दूर हैं ताकि ऐसी जिंदगियां जिन्होंने अभी तक उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल नहीं किया है जो उसकी मोहब्बत से खाली हैं वो मसीह की सलीब को सामने रखते हुए उसकी सलीब के नीचे आ जाएं क्योंकि मसीह का पाक लहू जो सलीब पर बहाया गया हमें तमाम गनाहों से धोकर पाक साफ करने की कुदरत और ताकत रखता है दूसरी बात मसीह की मौत और वफादारी मेरे अजीजों मसीह की मौत कोई शहीदों की मौत ना थी बल्कि वो इख्तियारी और रजा कराना मौत थी मसीह और इंसान की मौत में बहुत ज्यादा इम्तियाजी और खसूसी फर्क पाया जाता है और वो फर्क ये है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके पास कोई इख्तियार नहीं है लेकिन मसीह यस्ू के पास कुली इख्तियार है कि वो अपनी जान दे भी दे और अपनी जान ले भी ले युना दसवां बाप उसकी सत्रहवीं और अठारहवीं आयत के मुताबिक बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूँ कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ मुझे उसे देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है एक और मती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजिली बयान उसकी छब्बीसवीं आयत में मैं कहता हूं क्या तू नहीं समझता कि मैं बाप से मिन्नत कर सकता हूं और वह फरिश्तों के बारह तुमन से भी ज्यादा अभी मौजूद कर देगा एक तुमन जो है ये बारह सौ के बराबर है अगर बारह सौ को बारह से मल्टीप्लाई करें तो ये चौदह हजार चार सौ के करीब बनते हैं इसी तरह गदसमनी बाग में जो अपने बाप से यूं दुआ कर रहा है कि अय बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है फिर भी ये बाप के साथ वफादारी की इंतहा है उसके पास राइट्स थे उसके पास थे जब वो स्लीप पर लटका हुआ था उस वक्त भी उसके पास उतने ही राइट्स थे थे लेकिन यह था कि वो बाप की वफ़द बा, के साथ वफादार था वो उस मिशन को पूरा करने के लिए आया था वो जो टास्क वो जो उसको दिया गया था वो जो एक जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरी दुनिया के लिए स्लीपर अपना पाक लहू बहाए वो उसको पूरा करने के लिए आया था यह है बाप के साथ वफादारी की इंतहा और यह वफादारी की इंतहा देखें कि उसने हम सब की बदकरदारी अपने ऊपर ले ली और लिखा है कि जिस तरह बरा जिसे जबा करने को लिया ले जाते हैं और जिस तरह बेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजबा है उसी तरह वो खामोश रहा यह वफादारी और मोहब्बत का बहुत बड़ा सबूत है तीसरी और आखिरी बात मसीह क्यों कर सरफराज हुआ मसीह की सरफराजी यह थी कि वो बाप की मर्जी के ताब्या होकर सलीब पर मर गया और बाप ने उसको यहाँ तक सरफराज किया कि वो मुर्दों में से जी उठा ताकि बाप की जगह अदालत करे शायद आज हम अपनी सरफराजी खुद ही में देखना चाहते हैं शायद आज हम अपनी मेहनत अपनी तगोदो से सरफराज होने की नाकाम कोशिश करते हैं लेकिन याद रहे कि इसमें हमारी शिकस्त है क्योंकि हमारी ताकत और हमारी सरबलंदी सरफराजी का बेद सलीब के नीचे आ जाने में है कलवरी की शहरा में है जो जिंदगी की तरफ जाती है अगर कोई सरफराज होना चाहता है तो वो मसीह की मौत की अहमियत को समझे और उसकी पाक हजूरी में मर मिटे क्योंकि यही वो जिंदगी है जो शैतान पर गल आने वाली कुवत का राज पोशीदा है सो so, मेरे अजीजों अच्छा है कि आज अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें और सोचें कि हमारी जिंदगी कैसी है अगर इससे पहले हम गनाहों की आग में जल रहे हैं अगर इससे पहले हमारी जिंदगियों के अंदर नफरत गुस्सा गरूर जैसी आग भड़कती है तो जरूर है कि हम मसीह की सलीब के नीचे आ जाए और अपने गनाहों का इकरार करें और उसे अपना शख्सी निजात दिहिंदा कबूल करें क्योंकि वो कहता है ए गुनागारो और बोझ से दबे वो लोगो तुम तो सब मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूंगा सो मेरे सोमेराजीजो ये बहुत जरूरी बात है जो आज हमने मसीह की मौत के हवाला से सीखा है कि जो निजात है ये मसीह की मौत की बदौलत है मसी की सलीपी मौत की बदौलत निजात है और बहुत दफ़ा जब से मैंने पहले बयान किया है कि जब गतसमनी बाग में यसुमसी ने कहा है कि ए बाप हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए बहुत ज़्यादा लोग इस पर बात करते हैं कि शायद यसुमसी डर गया था घबरा गया था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो तो जिंदगी का मालिक था वो तो बादशाहों का बादशाह था वो तो आया ही इसीलिए था वो ये मिशन लेके आया था वो ये टास्क लेके आया था कि पूरी दुनिया के गुनाहों जिसमें वो फंसे हुए थे गुनाहों की दलदल में दबे हुए थे उनको आजाद करने के लिए आया था उनको बहाल करने के लिए आया था वो डरा नहीं था वो घबराया नहीं था हाँ इंसानी जिसम रखते हुए उसको तकलीफ भी हो रही थी दर्द भी था क्योंकि इंसानी रूप लेके आया था वो इंसानी जिसम के साथ आया था सो अच्छा है मेरे अजीजों कि आज हम अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि अगर आज भी हम अपने गनाहों की वजह से मसीह को दोबारा मसलूब करने की कोशिश करते हैं अगर आज भी हम उसको अपने गनाहों की वजह से दोबारा दुख देते हैं तकलीफ देते हैं तो हम जरूर उसकी सलीब के नीचे आ जाए और अपने अपने गनाहों का इकरार करें और तोबा करें वो बड़ा रहीम है वो कादे मुतलिक है वो माफ़ करने पे कादिर है अच्छा है कि आज अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि इससे पहले हमारी जिंदगी कैसी थी क्या हम इससे पहले अपने जो जिंदगी है वो गुनाहों में गुजार रहे हैं क्या हमारी जो जिंदगी है वो गुनाहों की आग में जल रही है अगर इससे पहले हमारे अंदर नफरत पाई जाती है गुस्सा पाया जाता है गरूर पाया जाता है तो मेरे अजीजों अपनी अपनी जिंदगीों पर गौर करें और सोचें और मछली की स्लीप के नीचे आ जाएं यह बहुत अच्छा है यह बहुत जरूरी है वो माफ़ करने पर रहीम है उसने कहा है गुनागारों और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सब मेरे पास हो मैं तुमको आराम दूंगा सो बहुत जरूरी है कि खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे और हमें अपनी अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने का फजल और तफ़ीक तफ़ीकता फरमाए आमीन थैंक यू वेरी मच आई हम अपने सरों को उसकी पाक हजूरी में झुकाएंगे अब्राहम इजहाक और यकूब के खुदा अजीब मशीर खुदाए कादरबदीत के बाप सलामती के शहजादे तो जो था और जो है और जो आने वाला है बापसमानी हम दिल की अथा गहराइयों से तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं तेरे उस बड़े कारनामा के लिए तेरे उस बड़े फ़जल के लिए तेरे उस बड़ी मोहब्बत के लिए जो तूने हमारे लिए पूरी दुनिया के लिए की है और तूने अपना पाक जान का फिदिया दे दिया अपना पाक लहू बहा दिया इसलिए बहा दिया ताकि हम आज़ाद हो जाएँ इसलिए बहा दिया ताकि हम बहाल हो जाएँ और खुदांद आज जब हम आज़ाद हैं आज हम निजात याफ्तः हैं तो तेरे पाक लहू के बहाल आने की बदौलत है तेरे पाक जान का फिदिया देने की बदौलत ही हमें नजात मिली है इसलिए अब हम दुखों में आसमायशों में परेशानियों में नहीं रह सकते हैं इसलिए कि तूने अपना पाक लहू बहाकर हमें आजाद कर दिया है हमें बहाल कर दिया है और वापस मानी तूने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है हालेलुया, हालेलुया। खुदा उन्हें शुक्रगुजार हूं इस बड़े कर्म के लिए इस बड़े फजल के लिए कि तूने आज यह मौका बख्शा कि आज तेरे पाक कलाम की मनादी करूं बापस मानी जितनी जिंदगियों ने खुदा में इस पाक क़लाम को सुना है और बापस मानी वो तेरे पाक क़लाम के वसीला से उनकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज आए एक बड़ी तब्दीली आए और खुदा वो तेरी तरफ़ रज़ू लाए और तुझे अपना शख़्सी नज़ात हिंदा कबूल करें मिसी यीशु के नाम से मांगते आमीन